गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो क्लास, ये आपका हिंदी का पीरियड है। अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक निकालिए। आज हम हिंदी लैंग्वेज में कुछ रिवीजन करेंगे, ओके? तो ये रिवीजन वर्कशीट है, आपको इस वर्कशीट को अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में सॉल्व करना है। प्रश्न एक है, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उनका आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो पहला शब्द है क म र ख कमरख, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे क हलन अ प्लस म हलन अ प्लस र हलन प्लस अ प्लस ख हलन प्लस अ कमरक। अगला शब्द है सुनार, स हलन प्लस छोटा उ प्लस न हलन प्लस आ प्लस र हलन प्लस अ सुनार। नेक्स्ट है खेलना, ख हलन प्लस ए प्लस ल हलन प्लस अ प्लस न हलन प्लस आ खेलना। अगला शब्द है मंदिर, मंदिर कैसे लिखेंगे? म हलन प्लस न हलन प्लस अ प्लस द हलन प्लस छोटी ई प्लस र हलन प्लस अ मंदिर। नेक्स्ट है कृषक, क हलन प्लस री प्लस अ सॉरी इसके साथ री स्वर लगा हुआ है इसलिए हम अ नहीं लगाएंगे, ओके? श हलन प्लस अ प्लस क हलन प्लस अ कृषक। नेक्स्ट है प्रश्न दो, खाली स्थान भरो। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें डैश कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर। यहाँ पे लिखिए ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट, स्वर के डैश भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं क्लास? तीन। लिखिए स्वर के तीन भेद होते हैं। क्लास अगला है डैश से अधिक, इसमें एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे लिखिए एक। डैश एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वो कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं।
अगला है वर्णों को अलग करके लिखने को डैश कहते हैं, जो अभी हमने पहले प्रश्न में किया उसी को क्या कहते हैं हम, वर्ण विच्छेद। वर्णों को अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। प्रश्न तीन है, दिए गए उपसर्गों को शब्द के साथ जोड़कर नया शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए हैं, उनको आपको इन शब्दों के साथ जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। पहला है अधिक, अधिक में क्या जोड़ेंगे हम, अति। तो ये क्या शब्द बन जाएगा, अत्यधिक। अगला दर्द, दर्द से पहले हम जोड़ेंगे हम, तो ये शब्द बन जाएगा हम दर्द। अगला है सर, सर से पहले जोड़ेंगे अव, तो ये क्या शब्द बन जाएगा, अव सर। अगला है दुर और गंध, एक ही उपसर्ग बचा है, दुर और गंध, तो क्या बन जाएगा ये, दुर्गंध। डन। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों और प्रत्यय से नया शब्द बनाकर लिखिए। इन शब्दों को मिलाकर आपको एक जो नया शब्द बनेगा वो लिखना है। घूम प्लस अक्कड़, इसमें अक्षर मिसिंग है, आधा का और पूरा का और अड़ा, अक्कड़, तो ये क्या बनेगा, घुमक्कड़। नेक्स्ट, सुर प्लस ईला, ये क्या बनेगा, सुरीला। नेक्स्ट है दूध प्लस वाला, ये क्या बन जाएगा, दूध वाला। नेक्स्ट है विज्ञान प्लस इक, ये क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक। डन क्लास। तो आपको ये पूरी वर्कशीट अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में करनी है और आपको अपने काम को 2 बजे से पहले मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, टेक केयर।